हेलो माई किड्स वेलकम बैक सो इन प्रीवियस सेशन वी जस्ट कंप्लीटेड अवर सेकेंड साइंस चैप्टर दैट वॉज़ आवर सोलर सिस्टम एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू साइंस चैप्टर विच इज़ एयर वाटर एंड वेदर ओके सो ये चैप्टर में हमने एयर के बारे में वाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस विच इज़ प्रजेंट ऑन एयर दैन वाटर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर देन अंडरग्राउंड वाटर दैन वेदर वेदर मतलब हमको पता है मौसम जो हमने मौसम बोलते हैं हिंदी में एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम सारा टाइम एक ही तरह का वेदर नहीं होता है इट इज़ अ कंडीशन ऑफ आवर एटमोसफियर एंड इट वेरीज बाई टाइम टू टाइम सो ये सभी थिंग्स हमने ये चैप्टर में पढ़ाई करेगा सो लेट एस गेट स्टार्टड सो मई गाइस और अर्थ हमने जो लास्ट चैप्टर में हमारा अर्थ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया सो so, हमारा अर्थ के ये चारों तरफ ये एयर का एक लेयर होते हैं ओके okay? एयर का एक लेयर होते हैं लाइक ए शील्ड सो और अर्थ इट इज़ सराउंडेड और इट इज़ कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ एयर वी कैन कॉल इट एज एडमोस्फियर ओके इसको हमने अडमोसफियर कहते हैं ओके okay? हमारा अर्थ है हमारा अर्थ के चारों तरफ एयर होते हैं हवा होते हैं ओके okay? वायु होते हैं सो दिस प्रोटेक्शन दिस प्रोटेक्शन ऑफ आवर अर्थ और दिस ब्लैंकेट ऑफ आवर अर्थ वी कैन कॉल इट एस और वी कैन रेफर इट एस एडमोसफियर इसको हमने अडमोसफियर कहते हैं ओके okay? सो वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एयर एयर का इम्पॉर्टेंस क्या होता है एटमोसफियर का इंपॉर्टेंस क्या होता है वी ओल्ट नो वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल हमको जीने के लिए ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन चाहिए ओके सो इफ देर इज़ नो ऑक्सीजन वी कैनॉट लिव सो ये ऑक्सीजन सभी ये ऑक्सीजन गैस सभी हमको किधर से मिलते हैं वी गेट इट फ्रॉम आवर एटमोसफियर ओके हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एंड ये ऑक्सीजन गैस हमको हमारा एटमोसफियर से मिलते हैं, ओके प्लस ये अटमॉसफियर हमको आ, सूरज की गर्मी से हमको पता है सूरज से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमारा अर्थ में गिरते हैं, सो so, अगर ये अटमॉसफियर का प्रोटेक्शन नहीं है तो ओके okay? अगर ये अटमॉसफियर का प्रोटेक्शन नहीं है तो वी कैन नॉट एबल टू लिव ऑन आवर एर्थ अगर ये एटमोस्फियर नहीं है तो हमको हमारा एर्थ में जीना नहीं सकते है ओके सो नाउ लेट एस सी द कम्पोजिशन ऑफ एयर हमने पढ़ाई किया एयर इट इज प्रजेंट ऑल अराउंड सो हमारा चारों तरफ एयर होते हैं लेकिन हमको देख नहीं सकते है इट इज़ ऑल्सो ऑर्डरलेस मतलब पर्टिकुलरली uh, कुछ स्मेल नहीं होते उसको सो so, इफ़ यूर लुकिंग ऑन द कम्पोजिशन ऑफ एयर एयर में डिफरेंट टाइप गैसेस होते हैं डिफरेंट टाइप गैसेस देन वाटर पेपर डस्ट पार्टिकल्स स्मोक ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ एयर में होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं नाइट्रोजन जैसे गैस एंड एंड आवर एयर कंड सेवेंटी एट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन गैस होते हैं इसके साथ ट्वेंटी वन परसेंटेज ऑक्सीजन होते हैं ओके ट्वेंटी वन परसेंटेज ऑक्सीजन सेवेंटी एट परसेंटेज नाइट्रोजन एंड लेस देन वन परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड वी कैन फाइंड इन आवर एटमोसफियर ओके सो याद रखना है एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन हमारा एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन गैस होते हैं देन कम्स ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आर्गन योन ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होते हैं सो इसके साथ वी कैन फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वाटर वेपर भी एयर में प्रजेंट होते हैं देन डस्ट बॉटिकल्स धूल होते स्मोक होते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड इन आवर एटमोसफियर और इन आवर एयर so now uh, it's time to take a look on hot air and cold air okay hot air मतलब जो गर्म हवा cold air मतलब ठंडी हवा okay so before it uh, we have to know what is wind wind मतलब हमने ऑलरेडी हमारा सेकेंड क्लास में पढ़ाई किया था मूविंग एयर इच इज़ कोल्ड एज विंड जो वायु चलते हैं इसको हमने विंड हमने हवा कहते हैं ओके सो ये विंड कैसे होते हैं us सी सो वेन दिस एयर गेट हीटेड बाई द सन ये सूर्ज की धूप की वजह से एयर गर्म होता है उसमें क्या हो जाएगा दिस वाम एयर इट विल राइसअप ये वाम एयर ऊपर हो जाएगा क्योंकि वाम एयर का वेट कोल्ड एयर से कम होता है ओके वाम एयर का वेट कोल्ड एयर से कम होते हैं सो है। so इसकी वजह से क्या होता है इटव राइसअप ये वाम एयर ऊपर हो जाएगा ऊपर जाने के टाइम क्या हो जाएगा देर विल बी सम समी स्पेस सोन क्या हो जाएगा जो बाजू में से जो कोल्ड एयर इट विल टेक द प्लेस ऑफ दिस लाइटर एयर ओके सो दैट्स हाउ विंड इज हैपनिंग मूविंग एयर जो वायु चलते इसको हमने विंड कहते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन वी जस्ट लेंड द डिफरेंस बिटवीन हॉट एयर एंड कोल्ड एयर एंड द कंपोजिशन ऑफ air what are the different types of gases which is present in air okay so let us wind up today's session thank you my guys